नमस्कार, मैं मनीषा जोशी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ आंदोलन कर रहे हैं। ये जो हमारी बजट कर्मचारी की मांग है 25 साल से जारी है और ये जो मांग जो चालू किया है शरद पवार जी ने चालू किया था, हर डिपार्टमेंट में हमारे कर्मचारी काम कर चुका है और अभी तक हमारे को न्याय नहीं मिल चुका है। इस न्याय की प्रतीक्षा में हमारे कई लोग अपना जीवन धार उद्धस कर चुके हैं, कई उनके परिवार आज रस्ते पे है, आज उनके बच्चों को उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए वो पैसा नहीं पा खर्चा नहीं पकड़ पा रहे। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार हमारे न्याय को और ध्यान दे कि उसका हमारा अमल बजावनी करे और हमको न्याय प्रतिष्ठा में रखे और हमें आज 20-25 साल के बाद भी हमको न्याय मिल रहा है। सरकार हमारे लिए एक शोकांति का है, लोकशाही में रह के भी हम इतना संघर्ष कर रहे हैं फिर भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। हम सरकार से फिर से निवेदन देते हैं कि सरकार हमें हम शासन प्रदान इसमें सेवा में हमें समान ले, यही हमारी मांग है। मैं रायगढ़ से आई हूँ, हमारे इधर जिला परिषद की इधर से मेरे को कॉल आया था शिक्षण सेवक भर्ती के अंशकालीन कर्मचारी, तो मैंने उसे लिखा था कि तुम कागज पत्र पड़ताने के लिए और नियुक्ति लेटर लेने के लिए आओ। मैं गई तो उधर मेरी पड़ताने की, लेकिन मेरे को नियुक्ति आज तक दी नहीं। मैं बार बार उसके अंदर जाती हूँ, फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ, मेरे को कुछ जॉब नहीं मिला और आज तक मेरे को ऑर्डर नहीं मिली, ऐसा क्यों? अच्छा, तो अगर सरकार अभी भी आंदोलन पर बैठने के बाद भी आपकी मांगे नहीं पूरी करती हैं तो आप अगला जो एक्शन है वो क्या लेंगी? अगला एक्शन क्या होगा? हमारा आंदोलन, हम बेमुद्दत आंदोलन करेंगे हम, क्योंकि हमारी मांगे तो पूरी होनी ही चाहिए। हम लोग बेकार है, सुशिक्षित बेकार है, सब लोग पढ़ाई में अच्छी अच्छी पढ़ाई की है, सब ग्रेजुएट है और हमारा यह है कि तुम हमको ये देते हैं कि तुम GR निकालते हैं, बार बार GR निकालते हैं, लेकिन निकाल GR का कोई आगे कुछ के नहीं करते, वो GR वैसा ही वैसा रहता है, सिर्फ निकालते देखना दिखाने के लिए, तो वो अच्छा नहीं है ना। सरकारी नौकरी में समाविष्ट करने की हमारी मांग है, वो पूरी करो और हमारी मांग ये है कि पदवीधर अवसरकालीन कर्मचारी को शासकीय सेवा में समाविष्ट करना चाहिए। इतना ही 95 से हम 300 रुपये पगार पे महीने में 15 दिन हर रोज 4 घंटा इस तरह 3 साल तक काम कर चुके हैं और 2003 में ये स्कीम बंद हो चुकी है और तब से हम सरकार में हमको शामिल करके ले इस मांग पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हो चुकी। इसी आज़ाद मैदान पर हम बहुत बार यहाँ पे आंदोलन कर चुके हैं लेकिन सरकार उस पर बाज नहीं आई और बहुत सारे GR हमारे पारित हो चुके हैं लेकिन कलेक्टर इस GR का फॉलोअप नहीं ले रहे, उसको अमल में नहीं ला रहे, इसलिए हम इस आंदोलन करना पड़ रहा है और इस भारतीय साड़वे और वैशाली राणे इनके नेतृत्व में हम ये पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी का यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आज अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो गई तो हम प्राणांतिक अमरण अनशन यहाँ पे करेंगे। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे साहब से मैं विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी कर हमारे को हमको नौकरी देकर हमारे रोजी रोटी का सवाल पूरा करे। तो देखा आपने इनकी क्या कहानी है, देखते हैं हमारे माध्यम से सरकार इनकी मांगें पूरी करती है या नहीं करती है।